और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर तक लगा जाम और बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़क हो चुकी है तालाब में तब्दील, जाम में कई घंटों से फंसे लोग। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और इसी बीच ग्रेटर नोएडा में भी बारिश के बाद सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर तक लंबा जाम और बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़क हो चुकी है तालाब में तब्दील, जाम में कई घंटों से फंसे हैं लोग। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा में सुबह से ही बारिश हो रही है और इसकी वजह से ये जलभराव की स्थिति जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली नोएडा में अगर बारिश होती है तो सड़कों पर जलभराव की स्थिति आम बात है। और ये तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर तक लंबा जाम बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं बारिश होने के बाद किस तरीके से जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यातायात पूरी तरह से अव्यवस्थित दिखाई दे रही है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम और बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति।